फ्रेंड, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो है स्क्वायर नंबर का ट्रिक। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर से जल्दी कैसे फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर नंबर बाय ट्रिक से, तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि मैथ्स में आपको दोनों चीज़ जरूरी है। ठीक है, आपका जो कैलकुलेशन जो क्वेश्चन होता है वो स्पीड होना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक जो है आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक प्लस ट्रिक दोनों ही बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 100 के बीच में। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि स्क्वायर नंबर बेसिक तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो 7 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 × 7 क्या होगा, 49 होगा। अगर आपको 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 × 8 क्या होगा, 64 होगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो मतलब क्या, उसको दो बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं 9 का स्क्वायर बोलूँ तो उसी को दो बार लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आया है ना ये आपका इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूँ 1 से लेके 100 के बीच में स्क्वायर नंबर निकालना, ठीक है, बाई ट्रिक से, तो आपको उसके लिए 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर नंबर लर्न होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर जो होगा आपका 01 होगा, इस तरीके से याद करना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर जो होगा 04 होगा, 3 का स्क्वायर जो होगा 09 होगा, 4 का स्क्वायर जो होगा 16 होगा, 5 का स्क्वायर जो होगा 25 होगा, 6 का स्क्वायर जो होगा 36 होगा, 7 का स्क्वायर जो होगा 49 होगा, 8 का स्क्वायर जो होगा 64 होगा, 9 का स्क्वायर जो होगा 81 होगा, और 10 का स्क्वायर तो पता ही होता है क्या होता है, 100। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है, जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो अब मैं कोई भी नंबर लेता हूँ 1 से लेके 100 के बीच में, और मैं बाय ट्रिक आपको सिखाऊंगा कि स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको निकालना सिखाता हूँ 34 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका यूनिट डिजिट है मतलब वन्स प्ले, पहले उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको 3 का स्क्वायर लिखना है, 3 का स्क्वायर क्या है 09। अब वन्स प्लेस के नीचे 0 लिख देंगे। अब ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इस तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर 2 से, 3 × 4 = 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 24, 12 का डबल 24, इसको ऐड कर देंगे तो 6 × 5 = 11, 1156, ये आपका आंसर। अब मान लीजिए मैं 41 का स्क्वायर निकालता हूँ, बस एक बार आपको समझना है 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 01। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, वन्स प्लेस पे 0। अब इसको 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 मल्टीप्लाई करना है, इस तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 1 = 4 होगा, और 4 का डबल 8 होगा, यहाँ पे 8, अब इसको ऐड कर दीजिए तो 1681, ये आपका आंसर है। ठीक है, और एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे 99 का स्क्वायर निकालना, 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर यहाँ 0, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 81, फिर इसका डबल भी तो करना है, तो 81 का डबल कितना होता है 162, 81 का डबल 162, अब 162 इसको ऐड करना है, तो 1089, तो आपका 99 का स्क्वायर जो होगा 9801 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 73 का स्क्वायर क्या होगा, तो 73 का स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, यूनिट प्लेस 3 का स्क्वायर क्या होगा 09, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अब वन्स प्लेस पे 0 लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो आपका ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 3 = 21, इसका डबल कर देना, तो 21 का डबल कितना हो जाएगा 42, अब 42 इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहाँ 9, यहाँ 2, 9 × 4 = 13, कैरी 1 × 4 = 1, 5, तो आपका आंसर आ गया 5329। उम्मीद है कि ये आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। बाकी अब एक और इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 होता है
उस नंबर को आप जल्दी से स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर रफ कर देते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको वो भी इसी में सिखा देता हूं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट बोलिए या वंस प्लेस बोलिए, क्या फाइव? ठीक है, फाइव हो तो उसका स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे, जिस नंबर का यूनिट डिजिट बोलिए या वंस प्लेस फाइव हो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा है, 15 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, क्योंकि इस नंबर का यूनिट डिजिट या वंस प्लेस फाइव है। ठीक है, 15 का स्क्वायर निकालना है मान लीजिए, 25 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालना है? तो एक चीज यहां समझने वाली बात है, जिस नंबर का यूनिट डिजिट फाइव है ना, अगर आप उसका स्क्वायर निकालते हैं तो ये तो गारंटी है, अगर जो उसका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसके आंसर में जो लास्ट टू डिजिट होगा ना, वो उसमें 25 होगा, ये तो फिक्स है। तो इसीलिए यहाँ पे 25 तो फिक्स है आंसर। अब क्या करना है आपको कि 5 को छोड़ के, इसको वंस प्लेस को छोड़ के, बाकी जो रिमेनिंग नंबर है वंस प्लेस को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग क्या बचेगा 1, इसको इसी से इसमें क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना है, जोड़ दिया। अब जो नंबर जोड़ने पे आया उसी को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 1 क्या हो गया 2, तो 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225। कोई बात नहीं, एक और लेके समझते हैं, यहाँ पे भी 5 है, 100% ये तो गारंटी है लास्ट में 25 आएगा, ये तो फिक्स है। अब क्या करना है, वंस प्लेस को हाइड करके छुपा दो, तो रिमेनिंग नंबर क्या है 2। अब इसमें एक जोड़ना है, एक जोड़ दिया, क्या बचा, एक जोड़ने पे 3 आया, अब 3 को इसी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसी 2 से क्या कर देना, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 × 2 = 6, यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625, समझ में आ गया होगा। एक और लेते हैं, अगर मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 25 आएगा। ठीक है, अब ऑरली आप याद करिए, इसमें 5 को छोड़ के बचा क्या नंबर 3, 3 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा 4, और 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये चीज या तो मैं लिख के समझाऊं या ओरली आप प्रैक्टिस करते करते खुद ही याद हो जाएगा। इसको दोबारा 4 × 3 = 12, 1 × 2 = 5। अगर मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 25 आएगा। ठीक है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 4 में 1 5 होगा, अब 5 4 जाए कितना हो जाएगा 4 से फिर मल्टीप्लाई करना 20। ऐसे ही 55 का अगर स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 आएगा, इसमें 1 जोड़िए 6, 5 में 1 6, 6 5 जा 30। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे मान लीजिए 65 का स्क्वायर निकालना है, अगर मुझे 65 का स्क्वायर निकालना है तो 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे 25 आएगा और इसमें 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, अब 7 को फिर इसी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 × 6 = 40। तो उम्मीद होगा कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और बहुत बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया है। ठीक है, तो ऐसी मैं